हेलो स्टूडेंट्स, दो पेपर बेटे पहले आप डिस्कस कर चुके हैं इस एक्यूरेट बुलेट वाले दे और थर्ड पेपर नू डिस्कस कर दें। हुण आपां एमसीक्यू देखते हैं। इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज, ये तुसी अपने आप करियो, हुण करवा दित्ती हैं, इहदियां वीडियोस मैंने अपलोड कर दित्तियां ने। द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए डायल्यूट सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन, ये भी तुहानू याद होएगा। हुण कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलिंग इज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इन्हां विचों कीड़ी है, ये भी तुहानू हुण याद होएगा। मैनू नहीं लगता भी तुहानू नहीं याद होएगा। चलो मैं वैसे दस ही दिनी हैगी तुहानू, तां कि जेकर जे किसी बच्चे नहीं पता तो नाल दी नाल याद कर लवे। फस्ट वाला हैगा टू। नैक्सट हैगा द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए डायल्यूट सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। नैक्सट है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अमंग द फॉलिंग इज ऑस्मोटिक प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 3 liters ऑफ 3 molar सोल्यूशन इज। देखो मोलैरिटी दिती हुई है और 3 liter की दिता हुआ वॉल्यूम, इहदा तुसीं फॉर्मूला लगा लेना कि मोलैरिटी है जिहड़ी किहदे बराबर हुंदी है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बेटे, अपने कोल की दिता हुआ सोडियम क्लोराइड 3 liter दिता हुआ और मोलैरिटी दिती हुई है, इट मीनस अपने को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करनी है। कहना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, अपन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो फिर आप इधर कर लो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू की होएगा, नंबर ऑफ मोल्स एक साइड पर रखांगे इधरले साइड पर, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मोलैरिटी के नाल आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी अपन कितनी दिती हुई है, देखो मोलैरिटी उन्हें दिती है 3 और वॉल्यूम भी 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, मोलैरिटी 3 × 3 इज इक्वल टू 9 आ गया बेटे। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए फिर 9 आ गए, इहदा मतलब इहदा आंसर होएगा ए ऑप्शन। नैक्सट आ गैलवेनाइज्ड आयरन शीट्स आर कोटेड विद, इहदा हैगा जिंक। नैक्सट तुसी पैसेज रीड करना, उसनू पढ़ के तुसी क्वेश्चनस दे आंसर देने ने। फस्ट हैगा व्हाट इज एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन की हुंदी हैगी, ए वैसे भी तुहानू हुण तां याद हो गया एबजॉर्प्शन ते एडजॉर्प्शन, मैं एक लास्ट पहला पेपर किते सी आपां, उहदे विच मैं तुहानू समझाया चंगी तरह कि जेकर कोई गैस दे जां लिक्विड दे पार्टिकल्स सॉलिड दी सरफेस दे उपर इस तरह सरफेस दे बाहरले पासे कंसंट्रेशन उहनां दी वध जांदी आ, बल्क दे विच नहीं, इहदे विच नहीं बाहरले पासे, ठीक है, इत्थे ज़्यादा कंसंट्रेशन उहनूं आपां कहिंदे आ एडजॉर्प्शन, कि कंसंट्रेशन ऑफ गैसिस जां लिक्विड्स दी ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड सरफेस, उहनूं आपां कहिंदे आ एडजॉर्प्शन होगी। नैक्सट हैगा विच एडजॉर्प्शन इज़ नोन एज एक्टिवेटड एडजॉर्प्शन, एक्टिवेटड एडजॉर्प्शन किनू कहा जाता है, ये पैरे दे विचों तुसीं लभना है। देखो कैमिकल एडजॉर्प्शन इनवॉल्वस हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, देयरफोर इट इज़ रेफर्ड एज एक्टिवेटड एबजॉर्प्शन, इहदा मतलब कैमिकल जिहड़ी एबजॉर्प्शन आ उहनूं आपां एक्टिवेटड एबजॉर्प्शन कहिंदे आ। नैक्सट हैगा गिव कंडीशनस ऑफ टैंपरेचर विच फेवर फिजिकल एबजॉर्प्शन, फिजिकल एबजॉर्प्शन कित्थे आ लो टैंपरेचर ते। नैक्सट आ व्हाट आर टाइप्स ऑफ एबजॉर्प्शन, एबजॉर्प्शन तुहानूं पता एक फिजिकल हुंदी है एक कैमिकल हुंदी है, 2 types हुंदियां इहदियां। नैक्सट आ व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सिज एग्जिस्ट इन फिजिकल एबजॉर्प्शन, फिजिकल एबजॉर्प्शन दे विच कीहड़ियां हुंदियां फोर्सिज, वंडरवाल फोर्सिज, ठीक है, आलमोस्ट क्वेश्चन तुहानूं पैरे दे विच ही मिल जाणगे, हो सकदा एक अद्धा क्वेश्चन इस तरह का होवे भी जिहड़ा तुहाडी अंडरस्टैंडिंग दे नाल रिलेटड होवे, वैसे आलमोस्ट तुहानूं सारे क्वेश्चन इस कॉम्प्रीहेंशन का जिहड़ा पैरा दिता होगा उहदे विचों तुहानूं मिल जाणगे। नैक्सट ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट द गैस इवॉल्वड इज़,
नाइट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट बॉन्ड एंगल, दैट इज वाटर। नेक्स्ट, हाउ मैनी आयन्स आर गिवन बाय, कंपलैक्स दिता हुआ इन वाटर, कि पानी के विच ये वाला कंपलैक्स किन्ने आयन्स देगा, 3। क्लोरोफिल कंटेन्स, क्लोरोफिल की होंगे मैगनीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फिनॉल विद सी ए ओ एंड एन ए ओ एच। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव फिनॉल, जाने के केड़ा ये जेडे ऑप्शन दतिया केड़ा इन्ना दे नाल रिएक्ट करूगा तो फिनॉल बनाएगा, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड, बी ऑप्शन है। आई यू पी एस सी नेम दसना एसटिक एसिड का, डी ऑप्शन है इसकी। नेक्स्ट हैगा, द लीस्ट बेसिक अमंग ऑफ द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग इज, सब तो घट बेसिक केड़ा होएगा, यदि ऑप्शन है फर्स्ट। विच कंपाउंड अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, केड़े का होएगा, बी। नेक्स्ट, कैरेट्स कंटेन, गाजरां दे विच केड़ा विटामिन हुंदा, विटामिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड केड़ा नहीं है, दैट इज सुक्रोज। नेक्स्ट आ गया, एफ टू सी डबल बॉन्ड सी एफ टू इज ए मोनोमर ऑफ टेट्राफ्लोरो इथीन हो गया है, टेफ्लॉन। टू एस टॉक्सी बेंजोइक एसिड इज एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट बेटा आ गए, ट्रू फॉल्स, कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मोर रेडली दैन एल्डिहाइड्स, दैट इज फॉल्स। सॉरी, इतने लगाना सी फॉल्स। नेक्स्ट है गया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद फिनॉल टू गिव ऑरेंज डाई, दैट इज ट्रू। केमिकली डीनेचुरेशन does not change the primary structure of proteins, that is true. Bakelite is an example of thermoplastic, thermosetting hai bete, false hai, this is false. 1% solution of phenol is used as an antiseptic, that is false. Disinfectant de taur te use hunda 1%, oh hunda jada antiseptic ho 0.2% hunda, theek hai। नेक्स्ट आ गए, 2 marks के क्वेश्चन आ गए, न्यूमेरिकल आ गए। देखो जिन्हें भी यह न्यूमेरिकल ने ना, मैं देखा पेपर तो आप पिछले पेपरों के इन्हों सॉल्व कर चुके हैं ऑलमोस्ट, कोई एक न्यूमेरिकल हो सकता है जिहड़ा नहीं होया हुआ, अदरवाइज सारे क्वेश्चन और सारे न्यूमेरिकल्स पिछले जिन्हें आप हम कोई 10-11 पेपर कर चुके उन्हें सारे सॉल्व हो चुके ने। ये देखो जरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो जरा दिता है 20% कंप्लीट इन 20 मिनट, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, कद 10 मिनट्स आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया, कि कंप्लीट हो गया, दसो 80% कि लगा, 90% कि टाइम लग गया। नैक्सट है सैक्शन डी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, देखो आलमोस्ट आंदा ही आ, चाहे नाल कॉजेज पुछ लवे जां कल्ला लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पुछ लवे, इस तरह क्वेश्चन यह आंदा। नैक्सट नेमिंग रिएक्शन आ गए, और दो जां और इन्हां दे विच, इस तरह बेटे ये वाला पेपर कंप्लीट हो गया, देख लो जिहड़ा नहीं याद हैगा उसनू याद कर लो, ठीक है। नैक्सट हुण आपां एक फोर्थ पेपर होर करते हैं, फोर्थ पेपर दे विच आपां हुण जिहड़े फस्ट MCQs ने, MCQ करदे आं पहलां। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए हैगजागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट इज 6। नेक्स्ट आ फॉर सल्यूट्स,
फॉर सोल्यूट्स विच डू नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन ए सॉल्वेंट वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई विल बी इक्वल टू वन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करैक्ट फॉर एन आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन दे लई केड़ा करैक्ट है, दोनों ही ने, ए वाला भी है डेल्टा मिक्सिंग वी है जरा डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो तो डेल्टा एच, इस करके दी ऑप्शन सी होएगी. नेक्स्ट है द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.6 ग्राम यूरिया इन 200 ग्राम वाटर इज 0.50 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द मोलल एलिवेशन कॉन्सटेंट कढ़ना आप. मोलल एलिवेशन कॉन्सटेंट दे लई फॉर्मूला लगाओगे तुसी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी और एम दैट इज मोलैरिटी. मोलैरिटी ये फाइंड आउट कर लेनी है तुसी. मोलैरिटी आप किमें कढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स किमें कढ़ोगे तुसी, हुण इत्थे वेट दिता है यूरिया का, तुसी मोलीकुलर वेट कढ़ लेना है तो की हो जाएगा 0.6 ओवर 60 हो गया इनटू वॉल्यूम आप 1000 के विचों कढ़ते हुंने हैं तो दिता कि 200 चो कढ़ना आप. ठीक है जी, इनू तुसी ए हो गया 5. इसनों तुसी कैलकुलेट जो तो कर दोगे तो यह आ जाएगा 0.05. ठीक है जी, ये की आ गई अपने मोलैरिटी आ गई, ये एम कढ़ लिया आपां. ते आपां डेल्टा टी वी दिता हुआ अपन, आपां कढ़ना की आ के बी, इनू फाइंड आउट करना. हुण जो के बी कढ़ना, के बी इज इक्वल टू किते हो जूगा, के बी इधर रह गया तो एम नीचे चला गया, तो डेल्टा टी वी दिता है 0.50 और एम आप फाइंड आउट कर लिया 0.05. तो आंसर देखो की आजूगा, हूँ 10 आजूगा ना, 10 कैलविन किलोग्राम पर मोल आएगा बेटे, ए ऑप्शन आऊगी ये. फिर नेक्स्ट हैगा विच वैन लैड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्जस, तो की हुंदा की है जो लैड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज करती हैगी तो की हुंदा, सल्फ्यूरिक एसिड जरा कंज्यूम हुंदा. ये ए वाली ए वाली ऑप्शन ठीक है. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड. नेक्स्ट पैराग्राफ आ एडजॉर्प्शन दे नाल आलमोस्ट जिद्दां दे पहला क्वेश्चन करके आए हैं उस तरह दी हैगी है. ये कहिंदा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैसिस ऑन सॉलिड्स आर देयर. किन्ने टाइप्स दी एडजॉर्प्शन ने, गैसिस ऑन सॉलिड्स आर देयर. वट काइंड ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन फिजिकल एडजॉर्प्शन. देखो पिछले दे विच भी ये क्वेश्चन सी, वट काइंड ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन कैमिकल एडजॉर्प्शन. सारे के सारे क्वेश्चन के ये आंसर है लभ लेने तुम, तो इतने डैश भरने के फिजिकल एडजॉर्प्शन केड़ी एनर्जी एनर्जी मतलब कि टैंपरेचर किमें होगा दी, तो वो मुताबिक एनर्जी किमें होगी, इस तरह कैमिकल एडजॉर्प्शन की. तो तीन क्वेश्चन तो पिछले जो पेपर किया वो ही रिलेटड ने, ये तुम अपने आप करो है ना. नैक्सट हैगा फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द स्ट्रोंगेस्ट एसिड दैट इज बी. नैक्सट है जीनॉन टैट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल हैज़ द शेप स्केयर प्लेनर. और पिछले पेपर के बनाने स्ट्रक्चर बनाने कहा हुआ सगा जरा 3 मार्क्स के क्वेश्चन. नैक्सट है ऑक्सीडेशन नंबर डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कंपलैक्स के दसना आप, जाने के ऑक्सीडेशन नंबर भी दसना, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन भी दसनी हैगी और कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का यह भी दसना है. तो यदि ऑप्शन हैगी है ये तुम कढ़ना, यदि ऑप्शन हैगी बी. विच मैटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12 दैट इज कोबाल्ट. नैक्सट रिएक्शन दिता बेटे, वो आप प्रोडक्ट लभना, इथाइल अलकोहल दिता सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस के 413 केल्विन, जेकर आप गर्म करते हैं तो जोड़ा प्रोडक्ट बनता एक्स वो कि बनेगा.
दैट इज ए। नैक्सट है आई यू पी एस सी नेम ऑफ ऑगजैलिक एसिड, ऑगजैलिक एसिड का आई यू पी एस सी नेम देना दैट इज ऑलसो ए। दैन सी एच थ्री सी एच ओ आ सी सिक्स एच फाइव सी एच टू सी एच ओ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड कैमिकली कहदे नाल करनगे आइडोफॉर्म टैस्ट के ना इन्हों डिस्टिंग्विश करते हैं आप। नैक्सट हैगा गैबराइल फथैलीमाइड रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रैपरेशन ऑफ वन डिग्री अमाइन, रिडक्शन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स गिव मिथाइल आइसोसाइनेट, माल्टोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट फ्रक्टोज पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास दे विच केड़ा पॉलीमर यूज किया जाता है, लैक्सन क्लोर एम्फेनिकोल इज की है एंटीबायोटिका एंटीसेप्टिका एनलजेसिका की है एंटीबायोटिका। नैक्सट आगे ट्रूफॉल्स, ट्रूफॉल्स दे विच वुल्फ किशनर रिडक्शन ऑफ एसिटोफिनोन गिव्स टोलीन दैट इज फॉल्स, रिएक्शन ऑफ एस्टामाइड विद बरोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स इथाइल एमाइन दैट इज फॉल्स, विटामिन ए एंड डी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ए भी फॉल्स, नाइलॉन हैज़ द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये भी फॉल्स है, एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स आर कॉल्ड एंटी एलर्जिक ड्रग्स दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है गए टू मार्क्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स, एल्डोल कंडेंसेशन रोजरमैन्स रिएक्शन, मोनोमर्स लिखना देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड मतलब इन बनाने के मोनोमर यूज किया जाता टेफलॉन का आप पिछले पेपर के हम करके आए हैं हमने एम सी क्यू के न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बेटा जरूर सॉल्व करके देखने हैं चाहे ऑलमोस्ट आप सॉल्व पहला किए पर दोबारा कर लो फिर एक बार सारे क्वेश्चन बस इस तरह पढ़ी चलो नाल नाल रिवाइज करो चलो जिहड़ा नहीं आता उन्होंने फटाफट याद करके लिख के देख लो ठीक है जी। ट्रांजिशन मैटर्स नाल दे विच हो गया ऑप्शन वाला गुड कैटलिस्ट आ गया दे विच क्वेश्चन कलर्ड कंपाउंड्स वाला आ गया तो आ नेमिंग रिएक्शंस ने ते उस तो बाद ठीक है बेटे इन्हों क्वेश्चंस नू कर लो याद कर लो इस तरह फिर अपना फिर होर दो पेपर इस तरह डिस्कस करेंगे।